मेरे सारे न्यू शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। के पाठक देने जा रहे हैं रिजाइन। नीतीश कुमार आए पूरे फुल एक्शन में, पूरे फुल गुस्से में दिख रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में स्कूल टाइमिंग को लेकर फिर से हो सकता है बदलाव। जो टाइमिंग रखे गए थे 6 से लेकर 1:30 बजे तक, उसमें फिर से बदलाव का दिखाई दे रहे हैं चांस। बदल सकता है स्कूल टाइमिंग। और ऐसे में मैं बता दूं, पूरे इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है जो टाइमिंग रखे गए हैं विद्यालय का 6 से 1:30 बजे तक, उस पर रिवाइज स्कूल टाइम नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं पूरे इंडिया में। ऐसा क्या मुसीबत आ पड़ा था जो के पाठक नया फरमान निकाले और अब पूरे इंडिया में बिहार का हो रहा है बदनामी जो कि स्कूल टाइमिंग को लेकर है। और ऐसे में जो सक्षमता परीक्षा का जो कड़ा विरोध किए गए उसके बाद सक्षमता परीक्षा नहीं होने का दिखाई दे रहा है चांस। और मैं बता दूं, सारे नेता मंत्री अब सारे टीचर के पक्ष में बात रख रहे हैं कि जो विद्यालय का जो टाइमिंग है वो बहुत ही गलत है। और ऐसे में के पाठक अब रिजाइन दे सकते हैं। और ऐसे में मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे घायल हो गए हैं, घायल पड़ चुके हैं और टीचर का भी एक्सीडेंट हो जा रहा है। जो महिला शिक्षक है वह सहज महसूस कर रहे हैं निकलने में, क्योंकि भैया आप लोग को पता है कि अगर 6 बजे से विद्यालय है, अगर 1 मिनट भी टाइम लेट होता है तो उनका पेमेंट कट जाएंगे। तो ऐसे में डर से 4 बजे भोर में निकल रहे हैं, वो 4 बजे सुबह सुबह निकल रहे हैं, अंधेरा का टाइम होता है, और ऐसे में महिला शिक्षक कैसे निकलेंगे। और ऐसे में वो असहज महसूस कर रहे हैं, अनसेफ महसूस कर रहे हैं, फिर भी उनको नौकरी करना जाना पड़ रहा है क्योंकि ये तानाशाही है और ये तानाशाही रवैया को देखते हुए उनको मजबूरन उनको जॉब करना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि उनका विद्यालय बहुत ही दूर पे भी बहुत सारे शिक्षक, भैया जो शिक्षक है जो सही है वो तो है ही है, बहुत सारे दिव्यांग है जिनका विद्यालय दूर है, उनको भी टाइम से जाना है। अगर वो भी नहीं जाएंगे तो उनका भी पेमेंट कटेंगे। तो ये सारा नियम कानून सारे शिक्षक पे ही लादे जा रहे हैं। और मैं बता दूं, जब जब ऐसा हुआ, नीतीश कुमार अब एक्शन में आए हैं, अब नीतीश कुमार कुछ स्टेप ले सकते हैं। और स्कूल जो टाइमिंग जो बताया जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि फिर से बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि सारे नेता मंत्री सारे अब विरोध कर रहे हैं पाठक जी का। और जब भी ऐसा हुआ है तो पाठक जी सीधे नाराज होकर छुट्टी पर चले गए हैं, चाहे तो रिजाइन देकर चले गए। और ऐसे में एक बार फिर से डर सता रहा है कि के पाठक जा सकते हैं। तो क्या के पाठक जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब एक्शन में आ गया और नीतीश कुमार इस टाइम को तो जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही गलत है। अब कोई भी शिक्षक 3 बजे सुबह में उठेगा, भैया अभी गर्मी का छुट्टी उनको देना चाहिए, अभी गर्मी का छुट्टी मिलना चाहिए, पर गर्मी का छुट्टी नहीं मिल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, रात का टाइम है, फिर मेरा शर्ट पूरा भींगा हुआ है। और ये दोपहर में 1:30 बजे बच्चे लोग, 12 बजे बच्चे लोग दोपहर में आएंगे, 1:30 बजे शिक्षक लोग आएंगे, 10 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, 15 किलोमीटर, तो इनका क्या हाल होंगे ये आप लोग से अच्छे से कोई नहीं जान सकते। और ऐसे में देखिए, टाइमिंग को लेकर बदलाव का बात चल रहा है, तो कब तक बदलाव होता है, जैसे ही उसका नोटिस आता है तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करूंगा। और के पाठक अब क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं, अब पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे बड़े बड़े चैनल और इंडिया में पूरे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर रिवाइज स्कूल टाइम। तो जितने मेरे शिक्षक साथी हैं, जितने मेरे साथी हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, और सारे लोग इस चैनल से जुड़कर इस वीडियो को सारी जगह शेयर करिएगा। जैसे और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ सारा चीज शेयर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।